नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2018 के लिए जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, और उसी सीरीज़ में आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर का प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग प्रश्न ज़रूर लिखिए, और मुझे लग रहा है आप लोग लिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग लिखना चालू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और अब बताना चाह रहा था कि मैं एक अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो पीसीएस एकेडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने फॉलो लिंक दे दिया है, तो आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत ही अच्छे वीडियो लर्निंग ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी के हों। तो अनअकैडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सभी सब्जेक्ट और सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ करिए इसको। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग जीएस थर्ड पेपर के क्वेश्चन की। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम लोग थर्ड पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, बहुत से लोग ये बोलेंगे या सोचेंगे कि छोटे बड़े क्वेश्चन ये कैसे दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछेगा, 100 वर्ड में पूछेगा, हो सकता है 150 वर्ड में पूछ ले या 200 वर्ड में, क्या पूछेगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो कम से कम हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो सभी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को काम करना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, मैंने आंसर राइटिंग के लिए, जो यूपी पीसीएस मेंस की जो आंसर राइटिंग है, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप अलग से बनाया है। पीसीएस एकेडमी का तो ग्रुप है ही, और आंसर राइटिंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया है, पीसीएस एकेडमी 123। ध्यान रखिएगा, लिंक है उसका पीसीएस एकेडमी 123, उसका लिंक है, ध्यान रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा पीसीएस एकेडमी आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, तो आप लोगों को मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, तो उसको वहीं पर लिखना है आपको। लिखने के बाद पिक्चर या स्क्रीनशॉट जो भी आप देना चाहें वहाँ पर दे लीजिए, और दूसरों के आंसर को भी आप लोग देखिए कि उसने कैसा आंसर लिखा है। तो जब दूसरों के आंसर देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें आइडिया लगेगा। ठीक है, और बाकी आंसर मैं खुद भी देखूंगा। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर राइटिंग डेली करें। और देखिए, 4 क्वेश्चन यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसको भी किसी ने नहीं लिखा, 2-4 लोगों ने लिख के मुझे दिखाया भी, तो उससे कुछ होता नहीं है। और बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखिए, और लिखिए उसको दिखाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना कार्य आप लोग जरूर करिए, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे ईमानदारी से, तो फिर सारा कार्य बेकार हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मुझे दिखाना नहीं अच्छा लग रहा, तो नहीं अच्छा लगता तो भाई उसमें कोई बात नहीं, और जिन लोगों को ठीक लगता है तो आप लोग अपने आंसर को ज़रूर दिखाइए। ठीक है, टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी मेंस आंसर राइटिंग, उसका लिंक क्या है, पीसीएस एकेडमी 123, ध्यान रखिएगा, किसी से भी सर्च करेंगे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करके वहीं पर आपको आंसर राइटिंग पूरी की पूरी करनी है। आंसर लिखिए, लिखने के बाद वहां पर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, लिखने का फॉर्मेट भी मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा बॉडी पार्ट होगा, तीसरा कंक्लूजन होगा। तो जिसमें जो क्वेश्चन में जो पूछा जाए उतनी ही बातें आपको लिखनी है, ना कम लिखनी है ना ज़्यादा लिखनी है। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी होता है जो पूछा जा रहा है उसको आपको देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन में अलग से कुछ फैक्ट ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है इसमें ये ऐड किया जाना चाहिए, तो उसको आप लोग बेशक ऐड करिए, और बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है,
तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है, इसके लाभों का भी वर्णन करना है। तो आपको बताना है कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो होती है, जिसको PCR भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो उसके डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य, तो उन्होंने क्या एक मुद्दा उठाया किया है कि PCR को स्थापित किया जाए। PCR जो होता है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, तो इसको बनाने या स्थापित करने की दोबारा एक मुद्दा उठाया है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, किस लिए है, इसके लाभ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है इसमें। तो अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है। हो सकता है 100 वर्ड में पूछ ले या 150 वर्ड में पूछ ले। तो आप लोगों को, जैसे मैं जो फैक्ट देता हूँ, इसके आगे पीछे की चीज़ों को आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। उन चीज़ों को मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है। यह एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है, जिसको PCR बोल रहे हैं, यह क्या है, एक सूचना का भंडार है। सबसे बड़ी चीज़ है, सूचना का भंडार है। और जो उसमें होता क्या है कि इसमें एक व्यक्ति या कॉरपोरेट उधारकर्ता जितने भी होते हैं, तो उनके ऋणों की जानकारी कि किस व्यक्ति ने कितना ऋण लिया, किस व्यक्ति ने या किस कॉरपोरेशन ने कितना ऋण लिया, तो उस चीज़ को इसमें बताया जाता है, ठीक है। और ऋण से संबंधित जितनी भी जानकारी होती हैं, तो इस क्रेडिट रजिस्ट्री में रखा जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम लोग तुलना भी कर सकते हैं कि क्रेडिट रजिस्ट्री में से उसके अकॉर्डिंग अच्छे या ख़राब उधारकर्ताओं में हम अंतर भी कर सकते हैं। और यह है क्या, यह एक भंडार है। जैसे एक कमरा होता है, कमरे में हम बहुत सारे लोगों का डेटा रखते हैं, तो ऐसे ही एक रजिस्ट्री है जिसमें सारे उधारकर्ता, जितने भी अच्छे उधारकर्ता हैं या बुरे उधारकर्ता हों, सबका डेटा, उनकी पहचान, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है। तो यह एक टाइप का क्रेडिट भंडार होता है, ठीक है, रिपोजिटरी होती है। और इसमें बैंकों के जैसे जो खराब या अच्छे उधारकर्ता होते हैं, उनके बीच अंतर स्थापित करने के लिए इसको स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न बस इतना ही है कि जैसे अच्छे उधारकर्ता हैं, जो लोग अपना ब्याज जो है, जो मूलधन है, ब्याज है, उसको टाइम पर वापस करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जब उनको लोन चाहिए होगा तो उनको आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग ब्याज या जो आपका मूलधन है उसको वापस नहीं करते हैं, जो लेते हैं उधार लेने के बाद नहीं देते हैं, बैंक को वापस नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकेगा। तो इसलिए यह पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है, यह कार्य करेगी, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, ये मैंने बता दिया। किस लिए है, इतने वर्ड में आप लोगों को मेन पार्ट आप लोगों को लिखना है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है। अब इसके बाद इसके लाभ देख लीजिए कि लाभ इसमें क्या होगा। ऋण उपलब्धता की स्थिति अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी, देखिए कि जैसे इसके माध्यम से जो PCR है, PCR के माध्यम से सूचना जो होगी, जो सूचनाओं में विषमता है, जैसे समस्याओं को हल किया जा सकेगा, ठीक है। कि जैसे किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं मिल पा रही है और उसने दोबारा किसी, जैसे PNB से मान लिया, PNB से एक बार लोन लिया, अब उसकी जानकारी PNB को होती है, अब उसको SBI को नहीं है, तो SBI की के पास भी ऐसा डेटा होना चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया इस रजिस्ट्री जो होगी, रजिस्ट्री का रखरखाव RBI करेगा, तो RBI सभी बैंकों का बैंक होता है, तो उससे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जिससे अच्छे उधारकर्ता और ख़राब उधारकर्ता में आप अंतर कर सकेंगे, और जिससे आप ऋण देने में उपलब्धता बहुत ही अच्छी स्थिति प्राप्त होगी कि आप किस व्यक्ति को उधार देना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगली लाभ क्या होगा, अगला लाभ है कि बैड लोन की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी। बैड लोन क्या होता है, बैड लोन ये होता है कि जैसे ए व्यक्ति ने 50,000 रुपये लिए बैंक से, 50,000 रुपये ले लिए, अब लेने के बाद 50,000 रुपये ये पूरा का पूरा बैंक के पास, PNB बैंक के पास या कोई भी बैंक हो सकती है, उस बैंक के पास वापस पैसा नहीं गया। अब उसने वापस ही नहीं गया, पूरा का पूरा पैसा गबन कर गया। तो अब इस स्थिति में ये जो 50,000 रुपये है, ये बैड लोन की स्थिति में डाल दिया जाता है। एक तय समय सीमा के अंदर अगर ये वापस नहीं होता तो इसको बैड लोन की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है। अब अगला क्या है, वैश्विक
जो आपका वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांक होता है, तो उसमें भारत की रैंकिंग भी सुधारने में यह मदद करेगी। ठीक है, कि जैसे बैड लोन जो होता है, अच्छे लोन जो होते हैं, और ये कारोबार में सारी चीज़ें अच्छी करने की बात कही जाती है, तो सारी चीज़ें जब क्रेडिट ज़्यादा होगा तो आप कारोबार करने के लिए उस प्रेरित भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, देश में कारोबार की जो सुगमता है या जो स्थिति है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जो होता है, ये भी आपका बिजनेस से संबंधित सूचकांक होता है जिसमें कई पैमानों पर ये बनाया जाता है, तो इस सूचकांक में भी अच्छा जो भारत की रैंकिंग है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि बैड लोन की समस्या जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और सभी बैंकों का जो बैड लोन उधारकर्ता होंगे उनकी जानकारी एक PCR में जमा रहेगी, तो जो भी जानना होगा सब एक जगह से जमा हो जाएगा। वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसने लोन ले रखा है। जैसे विजय माल्या ने बैंक से लोन लिया, तो अब वो तो बैड लोन की श्रेणी में डाल दिया गया ना, तो वो वापस पैसा नहीं आने वाला। अब जैसे हमें पता है कि दोबारा अब विजय माल्या या जो भी व्यक्ति बड़े बड़े जो जिन्होंने लोन ले रखा है वो लोन वापस नहीं होने वाला, तो उस स्थिति में यह क्रेडिट रजिस्ट्री जो होगी, अब इसमें छोटे वाले भी आ जाएंगे, मिडिल वाले भी आ जाएंगे और बड़े उधारकर्ता भी आ जाएंगे, तो सभी के लिए जानकारी एक ही जगह रहेगी PCR में, और PCR का बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बातों को एक अच्छे से एक पैराग्राफ में देखिए, बातों को अलग अलग मत लिखिएगा, जो क्वेश्चन लिखिएगा बिल्कुल बातों को एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक बात ख़त्म होती है तो दूसरी बात उससे जुड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। और दूसरी चीज़, कई लोगों ने मुझे प्रश्न लिख के दिखाया है तो उसमें कई लोगों ने ऐसे ही लाइन लिख दी है, तो लाइन मत लिखिए आप लोग, आप लोग करिए जैसे 200 वर्ड का है तो 200 वर्ड का 200 पेज दो पन्ने में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए पहले पेज पर आप पैराग्राफ, जैसे मान लिया 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ में आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, 5 लाइन की 6 लाइन भी हो सकती है, तो छोटे छोटे पैराग्राफ में अगर आप क्वेश्चन को लिखेंगे, आंसर देंगे, और एक नई बात को आप नए पैराग्राफ में लिखिए, और कुछ अच्छी चीज़ें डेटा को भी सम्मिलित कर सकते हैं बैड लोन की श्रेणी में, कि आप ये भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि बैड लोन की स्थिति वर्तमान स्थिति में क्या चल रही है, भारत की रैंकिंग भी बता सकते हैं कि इस समय क्या किस में है, तो इन सारी चीज़ों से आपको जब फैक्ट डालेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फैक्ट डालने से क्या होता है कि जब आप फैक्ट डालते हैं, जो बात बोलते हैं उसके साथ अगर प्रमाण के साथ जो चीज़ें बोलते हैं, जो फैक्ट के साथ में बातें बोलते हैं, तो उसकी वो आंसर बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देखिए, हैंड राइटिंग तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, और लिखना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, बस लिखना स्टार्ट करिए। और जिस व्यक्ति ने भी 20 दिन तक लिख लिया, उस 20 दिन के बाद वो खुद उसको एहसास होगा कि कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा हमने लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अब ये पहला क्वेश्चन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने बात कर ली, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका GS का 4th पेपर का क्वेश्चन है, और इसमें आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, मूल्य क्या होते हैं? ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको। ठीक है, तो इसमें है क्या दोस्तों कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मूल्य है, आवृत्ति है, आपकी विश्वास है, मानदंड है, सिद्धांत है, नैतिकता है, नीति शास्त्र है, तो जैसे अगर हम टुकड़ों में जो चीज़ों को याद कर लेंगे, टुकड़ों में चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा ये कि जब हम चीज़ों को लॉन्ग में या किसी से कोई तुलना करनी होगी तो उसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मूल्य होते क्या हैं, सबसे पहली बात ये, और उदाहरण सहित आप लोगों को समझाना है कि आखिर मूल्य क्या है। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मूल्य आखिर है क्या। जैसे मूल्य क्या है, मूल्य एक स्थायी विश्वास है,
हमारे अंदर जैसे जो जो चीज़ विचार आते हैं, तो विचार दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे घर में परिवार में सब लोग कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ईमानदारी बेटा ईमानदार बनो, कभी चोरी मत करो। तो ये क्या है, ये मूल्य हैं, ये जीवन को साकार, एक अच्छी लाइफ को, एक अच्छे जीवन को बनाने में योगदान देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मूल्य जो हैं अमूर्त होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। ये अंदर हमारे आचरण में होते हैं मूल्य, और हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता भी दिखाते हैं। जैसे कहते भी हैं घर में कि सम्मान करना, ईमानदारी, सत्य का पालन करना चाहिए। तो ये क्या है, ये मूल्य हैं हमारे। मूल्य किसी टाइप के भी हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के मूल्य होते हैं, किसी भी प्रकार से आप मूल्यों को देख सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए मूल्य अलग-अलग होते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के घर में बताया जाता है कि बेटा आपको बड़ों का सम्मान करना है, आपको ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना है। और वहीं पर एक ओसामा बिन लादेन के घर में अगर बताया जाएगा तो उसके यहाँ निगेटिव बातें बताई जाएंगी। क्या बताई जाएंगी, कैसी बातें, निगेटिव बातें, बेटा किस तरीके से आपको गन पकड़नी है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से आपको लड़ाई करनी है। तो ये क्या है, उसके अंदर बचपन से ही निगेटिव मूल्यों का विकास किया गया है। ये एक परिवार के माध्यम से, एक बाहरी वातावरण भी होता है कि जैसे एक कोई ए नाम का लड़का है, ए नाम के लड़का जो है उसके आसपास के लोग जो हैं वो गलत मूल्य वाले हैं, कि मतलब वो गलत आदतों का अनुसरण करते हैं, गलत चीज़ों का अनुसरण करते हैं। तो उसके भी मूल्य कैसे होंगे, वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, ठीक है। ये आपका सी डी ई, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अब ये जो व्यक्ति हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, गलत मूल्यों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, अगर ये अच्छे हुए आपके तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा निकलेगा, उसके मूल्य बहुत अच्छे होंगे। तो बाहरी परिवेश का, आपका बाहरी परिवेश जो होता है उसका आपके मूल्यों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। परिवार, परिवार भी आपका मूल्यों को बनाने में, मूल्यों को निर्माण करने में मदद करता है। परिवार में आपके मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, बेटा ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें परिवार के जो मूल्य होते हैं, परिवार से जो प्राप्त होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। और एक चीज़ होती है अनुभव के आधार पर, कि मनुष्य जो होता है वो अनुभव के आधार पर अपने मूल्यों को विकसित करता है। कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जंगल में होता है, तो उसको नहीं पता, आसपास के लोग उसके लड़ाई करते हैं, तो उसको यही लगेगा कि लड़ना ही मेरा कर्तव्य है, ठीक है, लड़ाई करना ही या लूटना मेरा कर्तव्य है। तो उसके अंदर एक बेसिक मूल पैदा होगा, किस चीज़ का, लड़ाई करने का। उसके अंदर अगर अच्छे लोग हुए, पढ़ाई करने वाले हुए, एक अच्छी जॉब पाने वाले हुए, तो ये उसके अंदर किस टाइप के मूल्य आएंगे, तो मूल्य जो आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे, कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, ये अच्छा कार्य है। तो मूल्य इसी तरीके से निर्माण होते हैं। और आप लोगों को देखिए, अच्छे बुरे जीवन के मार्गदर्शक भी होते हैं मूल्य। जैसे अगर मूल्य अच्छे हुए तो आपका जीवन लास्ट में आपका अच्छा होगा। जैसे स्टार्टिंग से किसी के, ए व्यक्ति के घर में मम्मी पापा या भाई बहन या आस पड़ोस रिश्तेदार ने मिलकर बचपन से उसको बताया है, समझाया है कि बेटा अच्छे से रहो, बड़ों का आदर करो, ईमानदार बनो, सत्य का हमेशा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये अच्छे मूल्य हैं। तो अच्छे मूल्य अगर आपके अंदर हैं तो आपको जीवन अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर गलत मूल्य डाले गए हैं स्टार्टिंग से ही, या हिटलर के परिवार में अगर कोई व्यक्ति या छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसके यहाँ के कैसे मूल्य पैदा होंगे, तो उसके यहाँ वो गलत मूल्य पैदा होंगे, तो उसका जीवन भी कैसा होगा, गलत ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे या बुरे दोनों टाइप के मूल्य होते हैं, दोनों के लिए जो आपके जीवन के मार्गदर्शक होते हैं,
अच्छे होंगे तो अच्छा जीवन होगा, बुरे होंगे तो बुरा जीवन होगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, घर में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य होते हैं। जैसे सकारात्मक मूल्य कौन सा है, बड़ों का सम्मान करना, चोरी ना करना, ठीक है, और अच्छे से सारी चीज़ों को करना। नकारात्मक में कौन से हैं कि छोटे बड़ों का अपमान करना, ठीक है, छोटे बड़ों का अपमान करना, चोरी करना। ये जैसे किसी का एक मूल्य ही है कि उसने अपने माइंड में बना रखा है कि हमारा परम कर्तव्य है कि हमारा काम है कि चोरी करना, दूसरों को गाली देना, तो ये उसके मूल्य हैं। ठीक है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं जिन पे वो कार्य करता है, जिन पे वो चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देते हुए एग्जाम्पल के साथ में 100 वर्ड में लिखना है। ध्यान रखिएगा शब्द सीमा कितनी है, 100 शब्द में आप लोगों को यह लिखना है, ध्यान रखिएगा 100 वर्ड। और इन्हीं बातों को एक पैराग्राफ में अच्छे से 2 3 4 पैराग्राफ में, एक पेज में 100 वर्ड हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक पेज पूरा का पूरा अच्छे से 5 6 4 5 पैराग्राफ में बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्न को लिखना है, जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको इंक्लूड करते हुए। और जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यूज़ क्या होती हैं उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है, देखिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग अलग कार्य करता है, तो हम कुछ और सोचते होंगे। बेसिक मूलभूत जो बात है वो सेम रहनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप आइडिया अपना लगा सकते हैं कि इसमें हम और चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ डालें तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कहीं का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कोई घटना डाल सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित हुई या किसी के जीवन में कोई बुरा हुआ, तो आपको बताना है कि इस तरीके से उसके मूल्य ऐसे थे इसलिए उसका जीवन एट द एंड लास्ट में क्यों खराब हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको 100 वर्ड में लिखना है और अच्छे से क्वेश्चन को पैराग्राफ में, अच्छी हैंडराइटिंग में, और जो चीज़ पूछी जाए उसको टू द पॉइंट। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न लिखना है प्रश्न में बिखराव नहीं होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, पहले पैरा का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। तो उससे क्या होगा, आपका प्रश्न जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये इथिक्स वाले पेपर में क्या होता है कि अगर आप जब क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर कोई घटना या लाइन से स्टार्ट कर देते हैं या केस स्टडी से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। जैसे कि पहले पैरा में आपने कोई केस स्टडी डाल दी, छोटी सी एक पैरा में ही 4 5 लाइनों में आपने बताया कि एक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के घर में ऐसा ऐसा होता है और उनके मम्मी पापा ये बोला जाता था और उसने बहुत अच्छे मूल्य लिए और लेने के बाद वो अच्छे कार्य करते हुए एट लास्ट में उसने जॉब पाई, जॉब पाने के बाद उसने समाज सेवा करना स्टार्ट कर दिया और एट द लास्ट उसने जॉब करने के बाद, सेवा करने के बाद एट द एंड पूरी लाइफ समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक कहने का मतलब यह है कि एक केस स्टडी डाल सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें दोनों हो सकती हैं, तो दोनों को ही डाल सकते हैं, ए और बी व्यक्ति, कोई किसी का नाम डाल दीजिए, अपने ही किसी रिलेटिव फ्रेंड एग्जाम्पल आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, कि आखिर अच्छे मूल्यों का किस तरीके से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और बुरे मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूल्य बेसिक चीज़ मैंने बताई, एक विचार है, थॉट्स है आपके अंदर, ठीक है, जिन पर हम लोग पूरा जीवन बिताते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों डेली डेली हम लोग 2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन भी आप लोग लिख नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग पीसीएस एकेडमी मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट या पिक्चर मैं आप लोगों को दे दूंगा और लिखिए वीडियो के माध्यम से, लिखने के बाद आप लोग वहीं पर इमेजेस और स्क्रीनशॉट जो भी देना चाहें वहां पर दे सकते हैं। और आप लोगों को अपने आंसर तो देखने ही हैं, दूसरे के भी देखने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।